आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो जो है वो सीजीएल के ऊपर है। टोटल 200 प्लस क्वेश्चन जो आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं। 7 तारीख तक फर्स्ट शिफ्ट तक 200 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं। आई थिंक 50 से 60 क्वेश्चन छूट गए जो मुझे नहीं मिले, लेकिन जितना क्वेश्चन मिले हैं 7 तारीख तक फर्स्ट शिफ्ट में, उतने क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं। और एक बात, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और जज करिएगा कितने आंसर आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सभी को इसका मालूम था। और एक बात, इसका पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात, होली के स्पेशल मौके पर हमारा सभी मॉक टेस्ट, जितना भी मॉक टेस्ट है जो एक साल का वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा था, उसका दाम अभी 299 रुपए कर दिया गया है। तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप वहां से ले सकते हैं और 299 में एक साल तक बैंक, रेलवे, SCC के हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मात्र साल भर के लिए 299 में दिया जा रहा है। यानी साल भर तक और जो एग्जाम आएगा सबका जो एग्जाम का टेस्ट है वो आपको दिया जाएगा। तो गूगल के प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 को एप्लीकेशन को डाउनलोड आप सभी कर सकते हैं और हर एक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सभी को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आंसर क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त मंत्री आयोग कौन है? एनके सिंह, याद रखिएगा उत्तर एनके सिंह। और इस कमेटी में जो है अजय नारायण झा भी शामिल है, लेकिन आंसर क्या होगा, एनके सिंह, 15 फाइनेंस मिनिस्टर कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लोहित और दिबांग की सहायक नदियां? तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गुजरात के गुप्ता द्वारा बनाए गए कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो वो है आपका दामोदर कुंड। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जेरोफाइटोमलिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। अगला, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहां पर स्थित है? तो खारी बावली में, जो आपका नई दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सभी हमारे एप्लीकेशन से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो उत्तर लेख 25 से 28 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चंद्रमा की बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर सरफेस ऑफ मून इज कॉल्ड भूपतल, यानी क्रस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य, ऑप्शन में क्या था, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा? तो क्या था ऑप्शन में आपका, रौफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कुत्तों के अध्ययन के रूप में, जो कुत्ते के अध्ययन है उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ डॉग्स। तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं किनोलॉय। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजा का हाल ही में 2020 में निधन हो गया है? तो ओमान के राजा का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम आप सभी को बताना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सभी को पता है गोटाबाया राजापक्सा। और श्रीलंका का विधानसभा मंडल जो है वो भंग कर दिया गया है, और वहां 25 अप्रैल से दोबारा चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सांची स्तूपा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हम्पी जो है यह कहां पर स्थित है? तो कर्नाटका। अब ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद 2 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किसे ओमान शासक की मृत्यु हुई है? तो यहां पर बताया गया था, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन बना था, ओमान के काबूस बिन सैयद अल सैद जो वहां के राजा थे उनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिशन मंगल फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस का नाम क्या है? तो वो है आपका विद्या बालन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न हमारे सामने, महाराष्ट्र चुनाव के में महाराष्ट्र सरकार के स्टार प्रचारक कौन थे? तो माधुरी दीक्षित। रिजर्व रिपो रेट किसके द्वारा जो है वो दिया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आप सभी को पता है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित
हरिका दौड़नावाली किस खेल से जुड़ी हुई है? तो शतरंज से, चेस ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न हमारे सामने, सांची स्तूपा किस वर्ष में खोजा गया था? तो 1818 में। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रोम इटली में है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और एक बात, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था आप सभी का, एफ ए ओ, इसका हेडक्वार्टर कहां है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका भी रोम इटली होगा, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका वर्ल्ड से और एक था आपका एफ ए ओ से। फॉक्स 21 किस कंपनी द्वारा खरीदा गया है? तो वाल्टन डिज्नी के द्वारा। अराकू वैली, अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या है? तो भीमसरा। हु आज द फादर ऑफ अजातशत्रु? तो भीमसरा। नंदा डायनेस्टी के नंदा वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तीरंदाजी में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है अभी हाल फिलहाल में? तो बम्बलाय देवी लेस राम को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जन्म स्थान क्या है ज्योतिबा फूले का? महाराष्ट्र वाली। तो उनका नाम क्या है आपका? केटो, महाराष्ट्र में, कटगुन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 में किसे दिया गया है? तो क्या होगा? जोखा अल हर्थी ओमान। अगला है हमारे सामने, माधवपुर मेला किस राज्य की मेजबानी करता है? तो हैदराबाद का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस पार्क को पहले लेडी, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, क्वेश्चन क्या था, किस पार्क को पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? तो लोडी गार्डन, ये आप पॉपुलर क्वेश्चन था, सभी ने किया होगा आई थिंक। अगला प्रश्न है, फेफड़ों के बीच के कौन सा ग्रंथि स्थित होता है? विच ग्लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन लंग? तो सभी को पता है थाइमस ग्लैंड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आप सभी का, अमित शाह के द्वारा कर्मयोग ग्रंथ नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई थी, यह किसके जीवन पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। और एक क्वेश्चन इसी के द्वारा जो है वो ठीक सेम क्वेश्चन था आप सभी का, कि कर्मयोग ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका आंसर अमित शाह था। यानी क्वेश्चन सेम है लेकिन दो क्वेश्चन एग्जाम में आपका बना था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर का? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस जगह से प्रसिद्ध है चिकनकारी कढ़ाई? तो लखनऊ का। अगला है हमारे सामने, टेनिस के दिग्गज जिनके पास उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया है, स्विट्जरलैंड के देश के द्वारा? तो रोजर फ्रेडर, बहुत बड़ा नाम है। मगध सम्राट का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शासक कौन था? तो भीमसरा। गुप्ता वंश ने किसे फसल पर टैक्स लगाया है? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा था, मुझे मिला नहीं, तो आप सभी कॉमेंट कर बताना इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन हमारे कान पर समान दबाव बढ़ाए रखने में मदद करता है? तो कान का उपकरण, ठीक है। अगला हमारे सामने, किस भारत को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ब्लू क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में एसेंट 2020 आयोजित हुआ है? तो कोची में हुआ है, केरला का। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैंडविक, मैंने आपको बता ही चुका हूं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। विंग्स इंडिया 2020 किस एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में बैंकॉक हवाई अड्डा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में इंडिया का स्थान क्या है? सातवां। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड, सभी को पता है, सिरका में, पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला। उद्योग 4.0 किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली की मदद से शुरू किया गया है। ओमान और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल नगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा लेख यह बताता है कि इंटरनेट तक पहुंचने, इंटरनेट जो है वो सभी तक पहुंच पाए, यह किस मौलिक अधिकार के अंदर आता है? तो संविधान अनुच्छेद 19 के अंदर, आर्टिकल नंबर 19। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह जो किला है वो कहां पर है? जयपुर शहर में है। शहरी नौचार शिखर सम्मेलन अर्बन इनोवेशन समिट कहां पर हुआ था? लखनऊ में।
ये याद कर लीजिएगा लखनऊ। अगला प्रश्न हमारे सामने है आप सभी के पास, ये क्वेश्चन भी इजी है। 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष में राष्ट्र युवा दिवस मनाया जाता है। अगला, सीआर फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? सी गोपाल आचार्य, इसको राजा जी फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है आप सभी के लिए कि मेहरुन्निसा किसकी वाइफ थी? जहांगीर की, नूरजहां भी बोलते हैं इनको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महिला में प्राथमिक यौन अंग है? तो अंडाशय, ओवरी। अमेरिकी द्वारा सम्मानित मीडिया में शक्तिशाली महिला कौन है? तो कैलीपुरी। जूनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियंस में किसने गोल्ड जीता है? तो दीपक पुनिया ने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चौसा की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो हुमायूं और अफगान के शेरशाह सूरी के बीच में। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हुई है? तो टेबल टेनिस। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन रात को 11:30 बजे वाले क्लास में एक एक क्वेश्चन कराया गया है आप सभी को, तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, तो 12 जुलाई 1982 में। अगला, सी के नायडू भारत क्रिकेट टीम के पहले कप्तान या किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो मैं बता ही चुका हूं, फर्स्ट कैप्टन थे तो क्रिकेट से। किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो देखो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको तीनों राज्य का नाम लिख दिया है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश के साथ ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डील साइन हुआ है ऑल इंडिया रेडियो के लिए? तो बांग्लादेश के साथ। 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो फ्रेडरिक सेंगर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, माधवपुर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में। ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन, ये एक और एक क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका था माधवपुर, वहां पर क्या था, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग है देख लीजिएगा, यहां पर माधवपुर उत्सव के बारे में बोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रोहतांग जो पास है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भौतिक मात्रा में क्वेश्चन बोला है डायोपेट्री का SI यूनिट क्या है? तो पावर ऑफ लेंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कोशिका अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू सेल स्टडी? कोशिकाई विज्ञान, काइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा मंत्री परिषद को क्या नाम दिया गया है? तो आस्था प्रधान, हु आट। अगला, ATM में T का फुल फॉर्म क्या है? तो सभी को पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो T का मतलब क्या होगा आपका? टेलर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को CK नायडू पुरस्कार सम्मानित किया गया है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, CK नायडू किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट होगा। और यहां पर बोला गया है, अभी हाल फिलहाल में CK नायडू सम्मान किसको दिया गया है? तो K श्रीकांत को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो कलकत्ता में, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर है? तो कांच, ग्लास। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में आपका ग्लास था। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह नहीं पूछा गया है आपको, बोला गया कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। वीजा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो PV सिंधु। ब्रिक्स समिट 2020 का कहां पर हुआ था? रसिया में। वर्ल्ड विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 57। उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने दोहरा शतक लगाया है लगातार 4 टेस्ट में? तो इंडिया कैप्टन विराट कोहली। श्रीलंका के प्रेसिडेंट, 2 बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में, गोटाबाया राजापक्षे। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ का? भूपेश बघेल। एन एरर ऑफ डार्कनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा। इंडिया के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे।
रिजर्व रिपो रेट क्या है? 4.9%। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी द्वारा है। लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर देखोगे ऑप्शन के अनुसार तो वहां पर होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा, ये याद रखिएगा। ओडिशा दिवस कब मनाते हैं? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 अप्रैल। जीएसटी कितना है लॉटरी के ऊपर? 28%। जहां गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है उस जगह क्या बोलते हैं? प्रयाग। सभी को पता है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, एक किताब है। और सौरव बी एंड ड्रीम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना, पीटर हैंड के, उनको मिला है। ये आप याद रखिएगा, जिनको लिटरेचर में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश टेम्पल इलोरा में किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्णा वन के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 21 मार्च 1919 को। कैनिन तीत कितने होते हैं? 4। गोमछा किस राज्य का सांस्कृतिक अंतर्गत आता है? तो आसाम का। अगला है हमारे सामने कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्वेंटेड किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1905 में। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो जे ए आर न्यूलैंड के द्वारा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल फजल बिन मुबारक के द्वारा। भारत की पहली पुलिट्जर पुरस्कार किसे मिला था? तो गोविंद बिहारी लाल को। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में हैदराबाद में है। बाबर की कब्र में स्थित कहां पर है? काबुल अफगानिस्तान में। फ्रांस की करेंसी सीएफपी फ्रैंक है। नमी के अनुपात किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर। मोसेस किस संघ से संबंधित है? तो संघ बायोफेटा से। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछा गया था थॉमस ब्रिटिश सम्राट किसके शासन काल में आया था? सम्राट जहांगीर के। साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2019 का इंग्लिश के क्षेत्र में किसे दिया गया था? शशि थरूर को। संस्थापक कौन है गुप्ता राजवंश का? चंद्रगुप्ता वन है, इसको आप लोग श्री गुप्ता कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में मैंने कर दिया श्री गुप्ता। अनटचेबिलिटी किसके किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर आता है। सबसे यंगेस्ट पीएम कौन है? सना मैरिन। अगला, दक्षिण एशियाई खेल कहां पर आयोजित किया गया था? नेपाल में काठमांडू का। आर्मी चीफ कौन है? सभी को पता है मनोज मुकुंद नरवाने। ईरान के राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी दोबारा चुने गए हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ का नाम क्या है? प्रेसिडेंट के अध्यक्ष का नाम डेविड मालापास। आरबीआई के गवर्नर पूछा गया शक्तिकांत दास। करंट इंडिया का जीडीपी रेट क्या है? तो 4.7%। रिपो रेट अभी क्या है? 5.15%। WEF इंडिया ग्रोथ में इंडिया का रेट कितना है? 5.8% वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग। यहां पर पूछा गया है आपका WEF इंडिया की वृद्धि, सेम क्वेश्चन है सॉरी। IBM के CEO कौन है? अरविंद किसरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष, ये याद रखना। तीरंदाजी गोल्ड खेलो इंडिया किसे दिया गया? कृतिका शर्मा। एक ड्रीम आत्मकथा के नोट्स किसके ऊपर है? ये किसका आत्मकथा है? और नोट्स ऑफ ड्रीम AR रहमान का। हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में 606 AD में सिंहासन संभाला था, याद रखिएगा। गोल गुमाज कहां पर स्थित है? बीजापुर कर्नाटका में। राजरानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है, यहां भुवनेश्वर का, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है? 19 नंबर। देखो आर्टिकल 14 से कम 35 तक तो आप रट डालो इस चीज को। बन्ना भट्टा की पुस्तक व राजा हर्षवर्धन के दरबार में स्थान कवि थे, यहां पर पूछा है जो बुक था वाना भट्टा वो कब लिखा गया था? तो कोर्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन के शासन समय में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ हरियंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो भीमसरा के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बना है CGL में इस बार। मगध का राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। और यहां पर दो क्वेश्चन बना था कि 425 BC के बाद और उसके पहले, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। IMF के चेयरमैन कौन है? क्रिस्टेलिया जॉर्जिया। कर्म युद्ध ग्रंथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जैसे मैंने आपको बताया अमित शाह। भारत के वर्तमान आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति वेंकटेश सुब्रमण्यन। नोवाक डिजोकोविच किस खेल संबंधित है? सभी को पता है भैया, टेनिस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। ये कहां से स्थित है, कौन से कंट्री से? सर्बिया से। छठवां,
आइसलैंड समिट कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। इंद्रधनुष 2.0 मिशन कहां से स्टार्ट हुआ था? आपका उत्तर प्रदेश से ऊपर लिखा है, उत्तर प्रदेश होगा। चाइना मैन कुलदीप यादव वनडे में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। एग्जाम में था 2 हैट्रिक लेने वाले पहले इंडियन बॉलर कौन बन गए, तो कुलदीप यादव। आरबीसी कहां बनता है? तो बॉनमेरो में। सुचेता कृपलानी सीएम थी कौन से राज्य की? तो उत्तर प्रदेश। विक्टोरिया टर्मिनस कब बना था? 1878 में। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ट्विन सिटी किसको बोलते हैं? हैदराबाद वगैरह ऑप्शन बोल सकते हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला। सूरत का उपनाम क्या था? डायमंड सिटी भी बोलते हैं और सिल्क सिटी भी बोलते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था वहां पर। ज्वारा डेंस कहां का है? मध्य प्रदेश का। मिथेन का रासायनिक सूत्र पूछा है, CH4। सबसे इजी क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के? तो सभी को पता है, प्रतापी सीतारामैया। भारत का नेपोलियन किसे बुलाता है? समुद्र गुप्ता को। ब्लू विट्रोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी को पता है, आप सभी को, क्यूप्रिक सल्फेट, CuSO4। एथेंस ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? मदुराई को। ओम्स का नियम जॉर्ज साइमन ओहम द्वारा दिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। BCCI का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। ICC का भी पूछा गया था दुबई में, यह भी याद रखना आप सभी। किस विटामिन की कमी से भ्रूण की एनेमिया होता है? तो B12। SF भारत ने कितनी बार, महिलाओं की बात कर रहा है, महिलाओं की कैटेगरी में भारत ने कितनी बार लगातार सेफ जीता है? 5 बार। इंडस वाटर ट्रीटी डेट कब हुआ था साइन? 19 सितंबर 1960 में। गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं राजस्थान का? तो जैसलमेर सिटी को। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर का? गिरीश चंद्र मुर्मू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी दक्षिण की नदी है? तो गोदावरी। किसको इस बार पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया था? तो जसप्रीत बुमराह को। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था यह आपको बताना था, मुंबई से, 9 अगस्त 1942 में। कौन सा कानून में कहा गया है कि सभी गैसों की समान मात्रा, समान तापमान और दबाव पर समान अणुओं की संख्या होती है? तो अवोगाड्रो लॉ में। निम्नलिखित में से किसको देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो एम्बरडीन, जो आपका अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। पोंगल त्योहार का चौथा दिन का नाम क्या है? तो कुन्नम पोंगल। ये आप याद रखना, तमिलनाडु का है। यहां पर पूछा है विश्वास योजना का पूरा नाम क्या है? तो विलेज बेस्ड इनिशिएटिव टू सैनिटाइज हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन। 107वां साइंस कांग्रेस का थीम क्या था? यह आयोजन कहां पर हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। इसका विषय क्या था इस बार का? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है पूर्वी हिमालय में? तो नमदापा। ओपन थिएटर खुला है अभी, बहुत बड़ा, आप सभी को पता है, एशिया का बड़ा धनु यात्रा जो फेस्टिवल मनाया गया उड़ीसा में। वल्लम काली पूछा गया था एग्जाम में। केरल में एक पारंपरिक नौका दौड़ है, उसका नाम क्या है? तो वल्लम काली। सेबी के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? अजय त्यागी। गुजरात पुलिस को राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है। नाहरगढ़ किले की स्थापना कब हुई थी? 1734 में। चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड ईश्वर शर्मा को दिया गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? योगा से। प्रौद्योगिकी संबंधी पानी का आविष्कार किस IIT के द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। युवा सम्मेलन किस व्यक्ति के जन्मदिन पर आयोजित किया गया है? स्वामी विवेकानंद। स्टडी ऑफ फीट को क्या कहते हैं हम सभी? तो पोडिया ट्रिस्ट। दलाउसी स्क्वायर कब बना था? इसको हम लोग कलकत्ता में BBD बाग भी बोलते हैं, 1830 में। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव के राजा, याद है ना, नरसिम्हा वर्मन। कौन सा रंग सूरज द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो सफेद। कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग संबंधित है? अनुच्छेद 358B। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली MT कौन था? MT बात कर रहा हूं मैं, MPT, तो वो थी आपकी अरुणिमा सिन्हा। अलाई दरवाजा इन दिल्ली बिल्ड किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत संविधान का 8वां भाग किसे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरी से। दो या अधिक संरचना का एक सत्य एक साजातीय मिश्रण क्या बोलते हैं? समाधान। इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोजिशन, सॉल्यूशन।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, बहुत जल्दी मैंने करवाया है। इसका पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का डाउनलोड करने के बाद आप वहां से मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, 2 से 3 दिन तक ऑफर रहेगा, 299 में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।